अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ फिंगर फिश। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एज़ यूजल जैसे मैं ऑल रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। आपने 1 kg के करीब फिंगर फिश ले लेनी है और आपने रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको 1 चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच सिरका लगा के आधे घंटे के लिए रख देना है। इससे इसकी स्मेल चली जाएगी। उसके बाद इसका ड्राई मसाला बना लेते हैं। 2 चम्मच आपने साबुत धनिया ले लेना है, 1 चम्मच जीरा लेना है और 5 से 6 गोल वाली मिर्चें ले लेनी है। इनको आपने 2 से 3 मिनट्स के लिए ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। कंप्लीट इसको ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद इसको हम किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसको फाइन पाउडर बना लेंगे। वो पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले में। मेक श्योर के ठंडा करके ही आप इसको ग्राइंड कीजिएगा। उसके बाद फिश को आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप इसको ड्राई कर लीजिएगा। सही से ड्राई करने के बाद जो पिसा हुआ मसाला है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारा पिसा हुआ मसाला है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला और पिंच ऑफ फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी का ऐड किया है। 2 अंडे इसमें डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट में 3 से 4 चम्मच डाल दूंगी। 4 से 5 नींबू का रस भी ऐड कर दिया है और 1 कप इसमें मैं मैदे का ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले डाल के, मैदा डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिश को हम मैरिनेट करेंगे 1 आवर के लिए। आप इसको चाहें तो 2 आवर्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना अच्छा मैरिनेशन होगी उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं आपने। ब्रेड क्रम्स में कोई कोडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलेट लेंगे फिश का और उसको ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे अच्छे से चारों तरफ से, बिल्कुल अच्छे से थोड़ा प्रेस करके कोट कीजिएगा, जिससे ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। आपने मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल हीट अप करने के लिए रख दीजिएगा, ज़्यादा हीट अप नहीं कीजिएगा ऑयल को। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए फिलेट ऐड कर दें फिश के सारे और मीडियम जो है वो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर आपने इसको साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड भी इसकी बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। बहुत ही क्रिस्पी सी ये फिश बनकर तैयार होगी। आपने इसको ग्रीन चटनीज के साथ बना लेनी है। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रोजन कर सकते हैं। इसको आप प्लास्टिक बैग में डाल के रख लें, आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दे दें या फिर टी टाइम में स्नैक में भी आप बना सकते हैं आराम से। और केचप के साथ भी या फिर चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, रेड चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये फिश बनकर तैयार होगी। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।